इनरविल क्लब ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सेवाओं को विशेष महत्व दिया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सावन के इस महीने में तीज मेले का गौरवपूर्ण आयोजन किया है। मेले का शुभारंभ फीता काटकर और दीप जलाकर मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया। मेले में गोरखपुर के अलावा बनारस, लखनऊ, आगरा, देवरिया सहित कई शहरों के स्टॉलों ने मेले में चार चांद लगा रखा था, जहां महिलाओं, युवतियों और बच्चों के परिधान और जरूरत के सामानों के स्टॉलों ने मेले में आने वालों को काफी आकर्षित किया है। मेले में लोगों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, जहां विभिन्न तरह के खेलों का इंतजाम है। इसके साथ ही खाने पीने के लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने और इनरविल क्लब की अध्यक्ष स्मिता अग्रवाल ने कहा कि तीज मेला इनरविल क्लब का महिलाओं की प्रगति, उन्नति और उत्थान की दिशा में एक सशक्त पहल है। आयोजित इस मेले में मैं पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ सबको कि अब राखी आने वाली है, 15 अगस्त भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके उपलक्ष्य में ये जो यहाँ पे मेला का आयोजन किया है, बहनों को अलग अलग वैरायटी के और बाहर से भी यहाँ स्टॉल लगे हैं, इसलिए गोरखपुर के हमारी जो महिला हैं बेटियों को अच्छे अच्छे यहाँ पे अच्छे दाम पे भी, दाम भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, तो मिलेगा, इसका लाभ उठाना चाहिए और देखना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप जबरदस्ती खरीदो ही, लेकिन आने के बाद अगर जो पसंद है लेना चाहिए। और मेले का इस तरह का आयोजन होने से मनोबल बढ़ता है उन गृहिणियों को जो अपने घरों में रह के कि इस अपने एक उद्योग की तरह घर में ही चलाती हैं। आप देखिए हैंडमेक है, इसको अलग से कोई शॉपिंग पे नहीं कर सकती और इसको ले आके एक स्थान मिल रहा है, तो इससे उन व्यापारी जो बहनें हैं उनका भी बहुत मनोबल बढ़ रहा है। और यहाँ बेटियाँ देखिए, लड़कियाँ ये सब बना रही हैं, तो मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। तो अगर बढ़ाने का काम हो रहा है तो हम भी तो बहुत खुश रहेंगे कि गोरखपुर की बहनें हमारी आगे बढ़े और गोरखपुर का नाम आगे बढ़े। और साथ ही ये दिव्यांग बच्चियों के लिए बहुत, वही मैं कहने जा रही थी कि देखिए कि आज का मैंने वही कटवाया उन्हीं लोगों से, हम लोगों ने उन्हें ही आज का मुख्य अतिथि बना दिया। जो बच्चे दिव्यांग थे उनकी वो जो ज्योति है, वो दिल की ज्योति है, जो पवित्र होती है, आंखों से देखा हुआ, कान से सुना हुआ बात कभी कभी जो है गलत हो सकती है, लेकिन मन की सोची हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो उनकी आंखें, उनकी उनका मन है, वो मन बहुत पवित्र है, उनको आज यहाँ पे बुला के देखिए कार्यक्रम कितना अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं स्मिता जो अध्यक्ष है और सभी को, ये सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद के साथ। इतने बढ़िया आयोजन में ऐसे दिव्यांग बहन बच्चियों को बुलाया और बेटियों को बढ़ाने के लिए यह प्रयास हुआ, सार्थक सफल प्रयास है। मैं इस सफलता की बात और ये मेला हम लोग हर साल लगाते हैं, गोरखपुर हाट सावन तीज मेला के नाम से इस बार लगाया। आज इस बार इसमें ये विशेष आकर्षण है कि इसमें हम गोरखपुर ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन करा रहे हैं। इसमें गोरखपुर में जितने भी डांस
एडवांस हमारे एकेडमीज हैं, उसमें जो बच्चे सीखते हैं उनको एक मंच प्रदान कर रहा है नवील, और साथ में जो घर में महिलाएं जो लघु उद्योग करती है, घर से चलाती हैं, उनको एक कोई बाजार नहीं मिल पाता, उनके लिए एक हम लोगों ने एक जगह प्रोवाइड की है कि वो अपनी सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सके। और ये हमारा पैसा जो भी इस मेले से आएगा वो हम चैरिटी में खर्च करते हैं। जैसे आज हमने दृष्टिबाधित स्कूल की बालिकाओं को बुलाया, उनको हम एक हारमोनियम, साल भर के कागज ब्रेल पेपर, और 10 बच्चों के न्यूली एडमिशन हुए हैं उनकी हम यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं। और वैसे हम हर महीने जा जा के वहाँ पे उनकी सर्विसेज करेंगे, उनको जो भी ज़रूरत